अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सो जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग हिस्टोरियल सेल्फ जियोग्राफी पढ़ रहे थे, और होपफुली कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह पढ़ा होगा। तो मैंने कल आप लोगों को इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और जितना भी जनरल इंट्रोडक्शन था वो सारा पढ़ा दिया था। तो आज हम लोगों ने पेशेंट प्रिपरेशन से स्टार्ट करना, और मैंने आप लोगों को बताया था कल वाले लेक्चर में कि पेशेंट प्रिपरेशन के लिए टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो थी 10 डे रूल। 10 डे रूल बेसिकली सीधे लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि आपने स्टेरो का जो प्रोसीजर है वो 10 डे रूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। इसका मतलब ये है कि योर प्रोसीजर शुड नॉट बी परफॉर्म बियॉन्ड 10 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर लास्ट पीरियड। ठीक है, इसका मतलब ये है 10 डे रूल। जैसे कि आपको पता है कि मेनस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, मेनस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें प्रोलिफरेटिव फेज है, फॉलिकुलर फेज है, फिर ओव्यूलेशन आता है। तो जिस वक्त मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने 10 डे रूल को जेन में रखते हुए स्टेरो परफॉर्म करना है, अगर आप पहली लाइन पढ़ें पेशेंट प्रिपरेशन की, उसमें लिखा है एग्जाम शुड बी डन ऑन डे 7 to 10 डे आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द लास्ट मेनस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हर फीमेल में मेनस्ट्रुअल साइकिल जो वो वेरी करता है, किसी में 28 डेज का हो सकता है, ठीक है, 36 डेज का हो सकता है, साइकिल हर वुमेन में वेरी करता है। तो अगर तो नॉर्मल 24 डेज का साइकिल है तो हम 7 to 10 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेनस्ट्रेशन ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जब आपका हमारे पास जो फीमेल आएगी उसका मेनस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, लाइक उसको पीरियड्स आ गए हैं, ठीक है, नॉर्मली 7 डेज पीरियड्स आते हैं, 7 दिन पीरियड्स चले हैं, पीरियड्स आने के बाद बेसिकली ओव्यूलेशन होती है, और ओव्यूलेशन मेनस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे स्टार्ट होती है। तो हमने ओव्यूलेशन से पहले पहले दिन, ओव्यूलेशन से जो पहले के दिन होंगे और पीरियड से जो पहले 7 दिन होंगे उनके दरमियान वाला जो टाइम होगा, बेसिकली उसके दरमियान हमने हिस्टेरो परफॉर्म करनी है फीमेल पेशेंट पे। ये बेसिकली 10 डे रूल है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि हिस्टेरो शुड बी परफॉर्म आइदर बिटवीन 8 to 10 डे ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल और आइदर 7 to 10 डे आफ्टर मेनस्ट्रेशन हैज बीन स्टार्टेड। दोबारा रिपीट करती हूँ, 10 डे रूल क्या है? 10 डे रूल का मतलब ये है कि जिस वक्त फीमेल को पीरियड मेंसेस आए हैं, पहले 7 दिन में आपने परफॉर्म नहीं करना, 7 दिन के बाद 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, बट बिफोर 14th डे, क्योंकि 14th डे पे मोस्ट प्रोबेबली ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है, और जिस वक्त ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रही है तो वो पीक डेज होते हैं जिनमें कंसीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान हम हिस्टेरो वाला प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे पेशेंट के ऊपर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी ये एग्जाम जो है 7 to 10th डे आफ्टर द बिगनिंग ऑफ पेशेंट्स मेनिस्ट्रल ब्लीडिंग ही हम क्यों करेंगे, इसका जवाब ये होगा क्योंकि उस टाइम पे जो एंडोमीट्रियम है वो थिनेस्ट हो रही होती है, क्योंकि मेनिस्ट्रेशन फेज गुजर गया होता है और एंडोमीट्रियम थिनेस्ट हुई हुई होती है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो पीरियड्स का मतलब ही यही होता है, शेडिंग ऑफ द एंडोमीट्रियम। तो जब हमारे पास मेनिस्ट्रेशन फेज गुजर गया, पेशेंट्स के 7 दिन गुजर गए हैं, 8वें 9वें दिन जो हमारे पास जाके एंडोमीट्रियम को जब हम एग्जामिन करेंगे तो उस टाइम पे वो थिनेस्ट होगी। तो आप बेसिकली ये आपका 10 डे रूल है। इसके अलावा आपने पेशेंट को बताना है कि जो स्केड्यूल टाइम है उससे वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स पहले आए, ताकि अगर कोई मसला है, कोई इशू है तो वो डिस्कस किया जाए। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरकोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हर पीरियड टू अंटिल इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। ऑब्वियसली हमने उसमें पेशेंट की यूटराइन कैविटी को देखना है, यूट्रस को देखना है, सर्विक्स को देखना है, विजाइना को देखना है। सो वी शुड आस्क पेशेंट दैट दे मस्ट एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स बिटवीन बुकिंग द अपॉइंटमेंट एंड द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट पेशेंट प्रिपरेशन का पार्ट है।
आपने पेशेंट से पूछना है कि वो पहले कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रही, ओसीपीज तो नहीं ले रही, कोई एलर्जी तो नहीं है स्पेशली के कंट्रास्ट मीडिया से, अगर उसको कोई इलनेस है, कोई और मेडिकल कंडीशन है, वो सारा कुछ आपने पूछना है। फिर आपने वही सिंपल वर्ड्स में उसको बताना है कि हॉस्पिटल गाउन में वो जाके चेंज करे। ये सारी पेशेंट प्रिपरेशन है और ये सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये था 10 डे रूल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया 20 नॉर्मल फीमेल्स में होता है कि 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनमें 28 डेज से ज्यादा भी लंबा चला जाता है साइकिल, 36 डेज पे चला जाता है, 40 डेज का भी साइकिल होता है। तो उसी हिसाब से फिर हम दिन आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि जब हिस्टेरो का पेशेंट आता है उसकी हिस्ट्री के लिए आपके लिए ये पूछना बहुत जरूरी होता है कि उसको लास्ट पीरियड्स कब आए, लास्ट इंटरकोर्स कब किया, या अपने पार्टनर के साथ मीटिंग कब की, प्राइमरी प्रेगनेंसी है, सेकेंडरी प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है कम होती है, ये सारी एक प्रोफॉर्मा होता है। अगर आप लोग का डिपार्टमेंट में जाना हो फ्लोरोस्कोपी में, तो आप जाके पूछो कि अगर हिस्टेरो का प्रोफॉर्मा पड़ा है तो आप लोग वो देख सकते हो। और पेशेंट को इंटरकोर्स से रिफ्रेन करने के लिए इसलिए कहा जाता है अंटिल ये एग्जाम नहीं हो जा सकता, क्यों, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस ना आए। इस वजह से अगर तो पेशेंट को इरेगुलर साइकिल्स हैं, मेंसेस उसको नहीं आ रहे, तो आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपना जाके बीटा एचसीजी टेस्ट करवा के आए। जब वो अपना बीटा एचसीजी टेस्ट करवा के आएगी तो वो रिपोर्ट भी आप साथ में अटैच करोगे। बीटा एचसीजी, एचसीजी बेसिकली एक हार्मोनल टेस्ट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सारा सीन है। उसके बाद ये थी हमारी सारी पेशेंट प्रिपरेशन, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंट इक्विपमेंट्स यहाँ पे आपके सामने रखे गए हैं जो आपको नजर आ रहा होगा। इनमें कॉटन पड़ी हुई है, ड्रेप है, गॉज है, कंट्रास्ट यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये डक्स स्पेक्युलम है जो वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये इसको आप वजाइनल स्पेक्युलम भी कहते हो, डक्स स्पेक्युलम कह सकते हो, वजाइनल स्पेक्युलम कह सकते हो। शीट्स पड़ी हुई है, ये गॉज है, ये ड्रेप रखा हुआ है, ये इंजेक्शन है, ये कैनुलास पड़े में है, ये चीज जो है ये वेलसेलम फोर्सेप्स है, इसको वेलसेलम फोर्सेप्स कहते हैं। ये सिंगल टूथ भी होता है, डबल टूथ भी होता है। इससे बेसिकली जब कैनुलेशन कर रहे होते हैं तो फोर्सेप्स तब यूज करते हैं, और स्पेक्युलम वजाइना की वॉल्स को स्ट्रेच करने के लिए यूज किया जा रहा होता है ताकि सर्विक्स की ओपनिंग को ज्यादा अच्छी तरह देखा जाए। ये सारे इक्विपमेंट्स जो है ये हिस्टेरो में यूज हो रहे हैं। इसके अलावा लीच विल्किंसन कैनुला आपकी बुक में स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है, फोलेस कैथेटर लिखा होगा, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। कंट्रास्ट का पता होना चाहिए कौन सा यूज हो रहा है। अच्छा, हिस्टेरो में पेशेंट की पोजीशन जो होती है वो लिथोटमी पोजीशन होती है। आपके सामने एक इमेज रखा हुआ है, उसमें नजर आ रहा है कि पेशेंट को जो गर्नी है उसके ऊपर लिटाया हुआ है और उसकी लिथोटमी पोजीशन है। ये हमारी कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट बैठी हुई है जो कि, या गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है। ये फ्लोरोस्कोपिक मॉनिटर है, ये फ्लोरोस्कोपिक यूनिट है, ठीक है। ये सारी हिस्टेरो की ट्रॉली है जिसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट सामान पड़ा है, और ये उन्होंने दिखाया है कि ये यूट्रस जो है उसको विजिबल करके उन्होंने दिखाया है। बेसिकली हमारी यूट्राइन कैविटी है, ये उन्होंने इंजेक्शन इंसर्ट किया, इंजेक्शन के थ्रू उन्होंने कैन्युलेशन की है, कंट्रास्ट दिया है, ये उन्होंने ट्यूब्स दिखाई हैं, ये ओवरीज दिखाई हैं उन्होंने, ये बेसिकली उन्होंने सारा हाईलाइट करके दिखा दिया है। अच्छा, पेशेंट प्रिपरेशन में आपने ये चीज भी याद रखनी कि आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपना बाउल जो है उसको एम्प्टी रख के आए। रात को है वो अपना बाउल एम्प्टी करने के लिए वो लेक्सेटिव ले सकती है, एनिमा भी ले सकती है, ताकि एनीमा वो कुछ घंटे पहले भी ले सकते हैं टेस्ट से, ताकि जो भी बाउल है वो क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे जो यूट्रस है, ट्यूब्स है हमारे पेशेंट की, हम उसको क्लियरली देख सकेंगे। इतना कोई इस प्रोसीजर में फास्टिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम एनेस्थीजिया नहीं देते हैं। एनेस्थीजिया सिर्फ हम सिवियर केसेस में देखते हैं, ऐसे पेशेंट में जो कि पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, डिस्कम्फर्ट इसकी वजह से होता है, एबडोमिनल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, उसकी वजह से हम पेशेंट को पहले ही पेन किलर दे देते हैं, टाइलिनॉल दे देते हैं, आइब्रोफेन दे देते हैं, या हमारे पास मेनली पैनाडोल दे देते हैं, या बस्कोपान वगैरह एबडोमिनल क्रैम्प से बचाने के लिए दे देते हैं। हमने इस बात को ध्यान में रखना है, एसेप्टिक टेक्निक हमें लाजमी यूज करनी है ताकि कोई जेनिटल इन्फेक्शन ना हो।
क्योंकि अगर कोई जेनिटल इन्फेक्शन होगा तो वो आगे जाके पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डिफरेंट हमारे पास जो है पैथोलॉजीज आ सकती हैं, मसले हो सकते हैं, इसलिए हमने उन चीज़ों का ख्याल रखना। स्टेरो में ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट लगते हैं, अगर कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट कर रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट आपकी कर रही है, और एनेस्थीसिया ज़रूरी नहीं है कि आप पेशेंट को दो। अच्छा, आप टेक्निक अगर हम देखें तो टेक्निक क्या है, आपने पेशेंट से कंसेंट लेनी है, आपने वो फॉर्म साइन कराना है पेशेंट से, उसके हस्बैंड से, आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, पेशेंट प्रिपरेशन में ये बताना है कि अपना ब्लैडर खाली करके आए प्रोसीजर से पहले। क्यों? क्योंकि अगर उसका ब्लैडर भरा हुआ होगा तो उसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब जो है वो एलिवेटेड नजर आएंगी, और अगर फेलोपियन ट्यूब पहले से ही ब्लैडर की वजह से एलिवेटेड नजर आएंगी तो हमारे पास अपेरेंट पैथोलॉजी नजर आ सकती है, अपेरेंट ब्लॉकेज नजर आ सकती है, यानी वहां पे ब्लॉकेज है नहीं लेकिन वो ब्लैडर के भरे होने की वजह से हमें लग रहा हो कि शायद वहां पे कोई ब्लॉकेज है। ठीक है, तो हमने पेशेंट को कहना है कि अपना ब्लैडर पहले ही खाली करे। प्री मेडिकेशन हमने उसको सिर्फ उस केस में देनी है अगर पेशेंट को पेन टॉलरेट वो नहीं कर सकती। उसके बाद पेशेंट को हमने लिथोटमी पोजीशन में लेटाना है। लिथोटमी पोजीशन जो है हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं यूज की जाती क्योंकि यहाँ पे स्टीरिप्स नहीं होते। स्टीरिप्स वो होता है जो प्रीवियस इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बेसिकली स्टीरिप्स है जहाँ पे पेशेंट ने अपनी टांगे रखी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे होता है कि हम पेशेंट को सुपाइन लिटाते हैं। सुपाइन लिटा के पेशेंट की टांगे हम नीज जो है बेसिकली वो फ्लेक्स करा देते हैं और दोनों लेग जो है वो अपार्ट एक दूसरे से अलग कर देते हैं। ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट होती है, नर्स होती है वहाँ पे, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो वहाँ पे साथ में हेल्प कर रहे होते हैं। एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हमारी ड्यूटी उस पर कहाँ पे होती है, ऑब्जर्व भी हम कर रहे होते हैं लेकिन साथ में जितनी भी फ्लोरोस्कोपिक मॉनिटरिंग होती है वो हम कर रहे होते हैं, और प्रोसीजर जो है हमारी गायनाकोलॉजिस्ट परफॉर्म कर रही होती है पेशेंट पे। उसके बाद पेरिनियम को हमने एसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करते हुए हमने इस एरिया को साफ करना है ऑब्वियसली, ताकि कोई चांस इन्फेक्शन का ना हो। ठीक है, जैसे ही आपने प्रॉपर पोजिशनिंग की पेशेंट की, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज की, उसके बाद आपने वजाइनल स्पेक्युलम जो था वो आपने पेशेंट के वजाइना में प्लेस कर दिया, उससे क्या होगा केस जो आपका वजाइना है उसकी वॉल्स एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और सर्विक्स की ओपनिंग हमें ज्यादा सही तरह नजर आ जाएगी। सर्वाइकल एरिया जो है उसके बाद जब आपने वजाइनल स्पेकुलम अंदर इंसर्ट कर लिया, उसके बाद आपने सर्वाइकल एरिया जो है उसको सेलाइन सॉल्यूशन से साफ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सर्विक्स में, पेशेंट की सर्विक्स में आपने कैनुला इंसर्ट करना है। कैनुला इंसर्ट करोगे, साथ में कैनुलेशन करोगे, कैथेटर इंसर्ट करोगे, उसके साथ ही इंजेक्शन के थ्रू आप पेशेंट की वजाइना में, सर्विक्स में कंट्रास्ट देना शुरू कर जाओगे, और जैसे आपने कंट्रास्ट देना शुरू किया वो यूटराइन कैविटी में जाना शुरू हो गया है। पेशेंट हमारी जो है उसको माइल्ड एब्डोमिनल पेन भी फील होगा, प्रेशर भी फील होगा, बहुत अच्छे पेशेंट को इंटेंस किस्म का डिस्कम्फर्ट भी फील हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप कंट्रास्ट देना बंद कर देते हो उस वक्त पेशेंट को पेन भी खत्म हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था अगर वहां पे ब्लॉकेज होगी तो पेशेंट को शदीद तकलीफ हो रही होगी उस टाइम पे। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि फ्लोरोस्कोपिक यूनिट है, सीलिंग माउंटेड भी हो सकता है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक यूनिट के अंदर नीचे लेके आना, यानी आपकी जो एक्सरे मशीन है उसके नीचे ही ऑब्वियसली पेशेंट लेटी भी होगी आपकी, आपने डिफरेंट इमेजेस लेना स्टार्ट कर देनी है। ये सारा वही एक्सप्लेन किया, इसको आप पढ़ लेना एक दफा, आपको पता होना चाहिए टेक्निक का। जैसे ही आप कंट्रास्ट देना शुरू कर दोगे साथ में फ्लोरोस्कोपिक मॉनिटरिंग हो रही होगी, आप डिफरेंट रेडियोग्राफिक व्यूज लेना स्टार्ट कर दोगे, डिफरेंट आप टाइमिंग्स होंगी, डिफरेंट स्पॉट्स होंगे जिस पे आप रेडियोग्राफ्स लोगे। सबसे पहले तो आप एपी व्यू ही लोगे पेरिनियल कैविटी का, या यूटराइन कैविटी का एपी व्यू लोगे, यानी जिसको हम स्पॉट फिल्म, प्रीलिमिनरी फिल्म लोगे आप। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट यूट्रस की फिल्म लोगे जिसमें आप पहले फिलिंग फेस ऑफ द यूट्रस देखोगे, फिलिंग फेस ऑफ द यूट्रस होगा जिसमें आप कंट्रास्ट देना शुरू करोगे, यूट्रस में कंट्रास्ट जाना शुरू हो जाएगा, यूट्रस हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, वो आप इसलिए लोगे ताकि देखो कोई फिलिंग डिफेक्ट तो नहीं है, कोई यूट्रस में कंटोरिंग एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। उसके बाद आप फुली डिस्टेंडिंग यूट्रस सेकेंड फिल्म लोगे, वो आप यूट्रस के साइज को देखने के लिए, उसकी शेप को देखने के लिए कर रहे हो। थर्ड फिल्म आप लोगे फेलोपियन ट्यूब्स को देखने के लिए, जिसमें आप फेलोपियन ट्यूब्स की पेटेंसी को चेक कर रहे हो, उसकी वैल्यूएशन कर रहे हो कि वहां पे कोई मैलफॉर्मेशन, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। उसके अलावा
चौथी फिल्म आप लेते हो इंट्रापेरिटोनियल स्पिलेज को देखने के लिए, जो कि हमें ट्यूबल पिटेंसी के बारे में बता रही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एब्डोमिनल स्पिलेज हो गया इसका मतलब है हमारी ट्यूब्स क्लियर हैं, क्योंकि कंट्रास्ट पास हो गया है। अगर हमारे पास स्पिलेज नहीं हो रही, कंट्रास्ट एक्सपेल नहीं कर रहा, इसका मतलब है ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो वो कंट्रास्ट को आगे मूव होने नहीं दे रहा। ये चीज मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी। उसके अलावा आप कुछ एडिशनल व्यूज भी ले सकते हो, जिनमें ऑब्लिक व्यूज आप लेते हो, ताकि आपको पेल्विक पैथोलॉजी अगर कोई आसपास पड़ी हुई है वो और बहुत अच्छे से नजर आ जाए, जो प्रीवियस व्यूज में अगर अच्छी नहीं नजर आ रही। या अब कभी कभार ऐसा होता है कि भाई फिलोपियन ट्यूब्स जो है पेशेंट की, वो टॉर्चरस भी होती हैं, यानी उसको आप ये कह सकते हो कि जैसे यूट्रस जो है वो एंटीवर्टेड भी होता है और रेट्रोवर्टेड भी होता है। वो देखने के लिए भी आप डिफरेंट स्पॉट फिल्म ले रहे होते हो, जिसमें आप ऑब्लिक व्यूज ले रहे होते हो, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे एटलीस्ट चार फिल्म्स दिखाई हुई हैं जो आपने लेनी है। चारों फिल्म्स के नाम मैंने बताया था आपकी बुक में भी लिखे हुए। सबसे पहली है अर्लिंग फिलिंग फेज, ये इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर आप इसको गूगल पे लिख के देखोगे ठीक है, तो वो ज्यादा क्लियरली विजिबल होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत देखोगे तो ये जितने जितने एरो जा रहे हैं, देखो हल्का सा कंट्रास्ट हो रहा है, क्योंकि ये अर्ली फिलिंग फेज ऑफ द यूट्रस था। इसमें हम फिलिंग डिफेक्ट देख रहे थे। फिर दूसरा क्या था कि इसमें यूट्रस जो है फुली डिस्टेंड हो गया, इसमें कंट्रास्ट फुली डिस्टेंड का मतलब ये अब जो कंट्रास्ट है वो हमारे पूरे यूट्रस में भर गया है, ठीक है। फर्स्ट फिल्म में क्या था कि सिर्फ कंट्रास्ट अभी हमने दिया था और साथ फिल्म ले ली थी। सेकंड फेज में क्या हुआ कि हम कंट्रास्ट पूरा हमारे यूट्रस में भर गया, और यूट्रस जो है फुली डिस्टेंडेड हो गया कंट्रास्ट से। थर्ड फेज हमारे पास था, जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब्स को देख रहे थे, यानी ट्यूबल पेटेंसी चेक कर रहे थे, या जिसको ट्यूबल फिलिंग फेज भी कहते हैं। इसमें हमारी ट्यूब्स हाईलाइट होना शुरू हो जाती है, अगर ये देखो ना, ये हमारी ट्यूब्स हाईलाइट हो रही है। फोर्थ वाला फेज में क्या हमारे पास होता है, पेरिटोनियल स्पिलेज हो रही होती है। पेरिटोनियल स्पिलेज का मतलब ये है कि कंट्रास्ट जो है वो यूट्रस भी हाईलाइट हो जाएगी, कंट्रास्ट की वजह से हमारी ट्यूब्स भी हाईलाइट होगी, और कंट्रास्ट ये ऊपर जाके हमारे पेरिटोनियल कैविटी में भी एक्सपेल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी ट्यूब्स क्लियर है। अच्छा, फिर एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर हो सकता है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आ रही हो आपके पेशेंट को, आप उससे पूछोगे पेन तो नहीं है, क्रैम्प्स, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपने प्रोसीजर के एंड पे पेशेंट को बताना है कि वो एंटीबायोटिक कोर्स ले सकती है 3 डेज का। आप उसको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दोगे, आप उसको ये भी बता दोगे पहले कि वेजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है, लाइक ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, बेड रेस्ट करें, प्रॉपर अपनी डाइट रखें, हाइड्रेशन रहे, और सेक्सुअल मेटिंग से कुछ दिन के लिए अवॉइड करें ऑब्वियसली, क्योंकि हीलिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये सारा आपका था हिस्टेरोसेल्फिंगियोग्राफी, जो कि हमने कल थोड़ा पार्ट पढ़ा था और कुछ पार्ट हमने आज पढ़ा है। और हिस्टेरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, इधर इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अलहदा अलहदा भी आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन भी पूछ ली जाती हैं, प्रोसीजर फिल्म्स वगैरह, लेकिन वाइवा में इससे रिलेट करके बहुत कुछ पूछा जाता है। आपके सामने ये चारों फिल्म्स रखी जा सकती हैं जो मैंने अभी ये चारों दिखाई हैं, उनमें ये अगर मैंने चारों नाम साथ लिखे हैं तो मैं चारों फिल्म्स रख के पूछ सकती हूँ कि इनमें से जी पेरिटोनियल स्पिलेज की फिल्म कौन सी है, यूटराइन फिलिंग की कौन सी है, फुली डिस्टेंडेड कौन सी है। अब आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा, स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल हिस्टेरो में और ब्लॉक्ड हिस्टेरो विद ब्लॉक ट्यूब में क्या डिफरेंस होगा। अगर मैं आपके सामने ये रख दूं और पूछूं कि इनमें से नॉर्मल कौन सी है, अब नॉर्मल कौन सी है, तो आपको पता हो। अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने ये हिस्टेरो की एक इमेज रेडियोग्राफ रख दूं और नीचे ये नॉर्मल हिस्टेरो ना रखो, और मैं आपसे पूछूं कि ये नॉर्मल हिस्टेरो के एबनॉर्मल है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मल का कैसे पता चलेगा कि ये कंट्रास्ट जो है ये आपकी पूरी ट्यूब्स को उसने हाईलाइट कर दिया। अगर तो यहाँ पे ब्लॉकेड होती तो ये वाला हिस्सा जो पार्ट है आपकी ट्यूब्स का, ये हाईलाइट ना हुआ होता, यहीं पे आके कंट्रास्ट रुक जाता, स्पिलेज ही ना हो जाती। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, 10 डे रूल के बारे में पूछा जा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस के बारे में पूछा जा सकता है, ओव्यूलेशन कौन से डे पे होती है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी ये चीज समझाई थी, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफरेंट फेजेस जो है, जो आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, वो एक दफा आप लाजमी ये टॉपिक पढ़ते हुए गो थ्रू करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर किसी को कोई भी इशू है किसी वर्ड में, इसको याद करने में इसको समझ नहीं आ रही, वो मुझसे दोबारा से भी पूछ सकता है या पूछ सकती है, ठीक है। मेरी तरफ से ये वाला टॉपिक हिस्टेरोसेल्फिंगियोग्राफी आपका कवर्ड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ तक सबके लिए चीज़ें क्लियर हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नेक्स्ट रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।